प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे भाजपा के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा का जिक्र किया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव के दौरान खूनी खेल खेला है। उन्होंने टीएमसी पर वोट कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस पर मतदाताओं को धमकी देने और उनके जीवन को नर्क बनाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग खुद को लोकतंत्र के चैंपियन के रूप में चित्रित करते हैं वे ईवीएम से छुटकारा पाने की साजिश रचते हैं। चुनाव के दौरान टीएमसी ने गुंडों को सुपारी दी थी और उनसे मतगणना वाले दिन बूथ पर काम करना और कब्जा करने को कहा था। पार्टी यानी कि टीएमसी काम पूरा करने के लिए घातक हमलों को अपने साधन के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में वहां पंचायत चुनाव हुए और इन चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला ये भी देश ने देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के परिदृश्य में पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ता मां भारती के लिए, पश्चिम बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, वहां के गरीब भाई बहनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अपने आप को तिल तिल जलाकर हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के पुराने वैभव को वापस लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही मणिपुर को लेकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहता, इसलिए भी विपक्ष लोकसभा में बिना किसी तर्क के कुछ भी बोल रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराया। विपक्षी सदस्य बीच में हो रही सदन से निकल गए। ये उनकी सच्चाई को बयां करती है कि वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर रहे थे। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर जीत के जरिए सरकार ने देश में नकारात्मकता फैलाने वाले विपक्ष को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि 8 जुलाई को बंगाल में हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में भारी जीत हासिल की थी। पार्टी ने बंगाल की सभी 20 जिला परिषदों पर जीत हासिल की। इसके अलावा करीब 80% यानी कि 3,317 में से 2,641 ग्राम पंचायत और 92% यानी कि 341 में से 313 पंचायत समिति सीटों पर जीत दर्ज की थी। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।